हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज के लिए आपके लिए सेकंड थर्ड रीडिंग में डाल रही हूँ कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। जो भी पर्सन इनके दिल दिमाग में है मेरे व्यूवर्स के, तो उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी तो ऐसी है गाइस, थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, किसी वजह से, ये तो खुद मैरिड है बट ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं, गलती की है शायद, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं माफी के साथ। बड़ी वैल्यू हो रही है आजकल आपकी, कद्र हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है आपकी, लगने लगा इस पर्सन को आप है इनकी दुनिया। क्या है इनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू? आपको अपना सोलमेट समझते हैं, प्यार तो बहुत है आपको लेके, अनकंडीशनल प्यार करती है गाइस ये पर्सन आपको, भले थर्ड पार्टी में है उसके बावजूद जेलस है आपको लेके। एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो आप इनको, समझदार हो, अट्रैक्टिव हो, पैशनेट हो, किसी के साथ आप कुछ गलत नहीं कर सकते, केयरिंग नर्चरिंग नेचर है आपका। आपकी एनर्जी जब भी निकालती है दो कार्ड आते क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन मानते हैं आप बहुत ही विजडम आपको है, बहुत ज्ञानी है आप, नॉलेज है आपको, समझदार है, केयरिंग है, नर्चरिंग है आपका नेचर, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है इनको, आपके साथ बॉन्डिंग शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है आपको, लेकिन इनको जेलस भी हो रही है। और यस, आपका ऐसा नेचर है, आप हर किसी के साथ जस्टिस करते हो, किसी के साथ आप अन्याय नहीं होने देते, आपका नेचर ही ऐसा है। पर्सन की तो करंट एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज आपको लेके, बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको मानते ये पर्सन, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप कितने अच्छे एनर्जी दे रहे हैं आर्कएंजल, प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइस, रास्ता निकाल के आ रहे हैं किसके पास, अपने लवर के पास। तो आप फ्रेंड्स के एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। थर्ड पार्टी में बट वहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं आपके पास आने के लिए। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन तो हो भी चुका है। यस, आ रहे हैं, फास्टली आने की एनर्जी है इनकी। इनके लाइफ की सच्ची हैप्पीनेस आपके साथ है गाइस, भले ये खुद थर्ड पार्टी में है या फिर इनको लगता है आप थर्ड पार्टी में है, या तो आप कहीं और मैरिड है या तो ये कहीं और मैरिड है। एम्प्रेस हो, मैंने बोला ये बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, इनके लिए इनकी मलिका हो आप, इनको लगता है कि भगवान की कृपा से आप इनको मिले हैं, एंजल की ब्लेसिंग है इनके ऊपर, इसीलिए आप इनको मिले हैं। ये बहुत प्रोटेक्टिव है गाइस, आपके साथ जो रिश्ता है इनका उनको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, संभाल के रखा है उन्होंने ये रिश्ता, ये प्यार। आप ब्यूटीफुल हो ना बहुत ज़्यादा, अपने प्यार को लेके, आपको लेके ये पर्सन बहुत ही प्रोटेक्टिव है, जेलस है। अगर आप किसी और के साथ हो तो इनको जेलसी बहुत हो रही है। किंग ऑफ फैंस का एनर्जी क्यों है एंजल? किंग ऑफ फैंस का एनर्जी क्यों है एंजल?
इस वक्त ये पर्सन बहुत अच्छा सोच रहे हैं। यस, ये पर्सन एक रिश्ते की शुरुआत तो करना चाहते हैं, विथ अ क्लियर कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ रिश्ते की शुरुआत तो करना चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर आपके साथ इस पर्सन ने कुछ गलत किया था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें इस पर्सन ने आपको दी थी, तब ये पर्सन आपको न्याय देंगे। देखिए अगेन, मैंने और एक कार्ड निकाला था, एट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन ने आपके साथ कुछ तो गलत किया था, बट अब ये पर्सन आपको न्याय देंगे, क्योंकि आपकी सही वैल्यू, सही रिस्पेक्ट इस पर्सन को पता चल चुकी है। आप वो पर्सन हो कि जिसके साथ रहा जा सकता है, एक ट्रस्टवर्दी, लॉयल, केयरिंग, नर्चरिंग, सारी खूबी आप में है। एक ऐसी बात नहीं कि जो नहीं है आप में। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है आपको लेकर इस पर्सन की, और साथ में इस चीज़ का मिलान भी है कि इस पर्सन ने आपके साथ डेफिनेटली पास में कुछ गलत किया था, इनजस्टिस किया था आपके साथ, कुछ धोखा दिया था। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बहुत गिल्ट हो रहा है, और अब ये पर्सन उस चीज़ को सुधारते हुए, आपको जस्टिस देते हुए आपके साथ ये रिश्ता बनाना चाहता है। कहीं भी है बट ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। यहाँ पे लवर, टू ऑफ कप की एनर्जी, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम से रिलेट कर रहे हैं। टेन ऑफ कप की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आप अगर मैरिड हैं और आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें गलत हुई थी, दोनों में कुछ मनमुटाव आ चुकी थी, दूरियाँ आ चुकी थी, तो इस पर्सन के मन में फिलहाल आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये थी गाइस आज मेरी छोटी सी रीडिंग कैसी लगी आप मुझे डेफिनेटली बताना, क्योंकि अब मुझे जाना है बाहर। तो अब मैं ऐड करती हूँ, करंट एनर्जी मुझे निकालनी थी आज कैसे भी करके, किसी को चाहिए थी रीडिंग तो मैंने करंट एनर्जी निकाल दी। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।